हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लावण्या क्रिएशंस। आज मैं आपको टसल्स कैसे बनाए जाते हैं ये सिखाऊंगी। तो टसल्स बनाने के लिए हमें क्या मटेरियल चाहिए ये देखिए। मुझे एक हार्ड कार्ड चाहिए, ये हार्ड कार्ड मैंने शू बॉक्स का लिया है। एक तरफ मैंने पहले से ही फ्रेम तैयार किया हुआ है, मैं आपको दूसरी तरफ कैसे फ्रेम तैयार करना है ये सिखाऊंगी, जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल टसल्स एक साथ तैयार कर सकते हैं। मैं आपको एक साथ दो टसल्स कैसे बनाए जा सकते हैं ये सिखाऊंगी। इसके लिए मैं अपना फ्रेम तैयार करती हूँ। मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये 10.5 इंचेस है, ये देखिए। अब मैं इसका हाफ़ करूँगी, इसका हाफ़ हो जाएगा 5.2, ये देखिए 5.2। अब 5.2 पर मैं मार्क करूँगी। अब मैं फिर से अगेन इसको हाफ़ करूँगी, मेरा 2.6 आएगा और मैंने मार्क किया है 2.6 पर, ये देखिए। इस तरफ से भी मैं 2.6 पर मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद मैं इसको सर्कल कर दूँगी। सर्कल से हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद देखिए मेरा कुछ इस तरह से फ्रेम दिखाई देगा। मेरे पास एंकर का थ्रेड है, ये कॉटन में है, आप सिल्क थ्रेड से भी इसको बना सकते हैं। मैं इसको रैप कर रही हूँ इसके साथ। रैप करने के बाद देखिए इस तरह से दिखाई देगा। अब मैं इसको सर्कल से सुई निकाल कर इसको टाई कर दूंगी, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये देखिए मैंने इसको टाई कर दिया है, अच्छे से टाइटली इसको टाई करेंगे। इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा थ्रेड को। इसी तरह दूसरी तरफ भी मैं इसको टाई करूंगी। इस तरह से ये फ्रेम बनाना बहुत इजी है। अगर आप इसको एक बार बना लेते हैं तो आप इसको इसकी हेल्प से मल्टीपल टसल्स बना सकते हैं। मैं इसको कट कर देती हूँ यहाँ से, ये देखिए, इधर से भी कट कर देती हूँ, इस तरफ से भी कट करने के बाद बैक साइड से कट करूंगी। ये देखिए मैंने बैक साइड से सेंटर से कट कर दिया है, मेरे दोनों टसल्स इसमें से फ्रेम से निकल गए हैं। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। मेरे पास गोटा रिबन है, गोटा रिबन से मैं इसको अब ऊपर से टाई करूंगी, ये देखिए। आप किसी और एसेसरी का भी यूज़ कर सकते हैं अपने टसल्स को सुंदर दिखाने के लिए। मैं इसको टाई कर रही हूँ इस तरह से। ऑलमोस्ट मेरा टसल तैयार है, अब मैं इसको कट कर दूंगी। अपने थ्रेड्स इक्वल कर लीजिए, एक्स्ट्रा रिबन की कटिंग कर दीजिए। ये
ये देखिए मेरा टसल्स तैयार है। एक साथ मैं काफ़ी टसल्स तैयार कर सकती हूँ। मैंने इनको ऊपर बटन से डेकोरेट किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।